एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो गाइस, दुआ ज़हरा के केस में आज आप लोगों को ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि दुआ ज़हरा जो है वो बाहिफाजत कराची पहुँच चुकी हैं, और हमें ये भी मालूम हुआ है कुछ ज़रायों से कि जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं वो उनसे मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं, जा चुके हैं। ठीक है, दुआ ज़हरा का केस जो है वो काफ़ी उलझ चुका था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि इकरारुल हसन के इस केस में इंटर होते ही 10 से 15 दिनों के अंदर ही ये केस जो है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो इतनी बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो वो उस वक्त किसी केस में इंटर नहीं होते, वो उस वक्त तक कोई केस नहीं लेते हैं जब तक उन्हें उस केस के बारे में कन्फर्मेशन ना हो कि वाकई इस केस में कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है। उन्होंने जब से इस केस में रिपोर्टिंग करना शुरू की है, आप लोगों ने देखा कि एक एक करके खुद ही मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी झूठे यूट्यूबर्स थे, जो भी जहीर गैंग था, जो भी जहीर गैंग का हिस्सा थे जो लोग, वो तमाम लोग जो हैं वो अब डरते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मतलब उनके हाथ पांव फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि पहले जहीर गैंग ने ये चाल चली कि दुआ ज़हरा को जो है वो दारुल अमान भिजवाया, और उससे ये बुलवाया गया कि अब मेरा जहीर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मुझे मार देगा और अब मैं दारुल अमान में रहूँगी। तो इस तरह से उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार करने की कोशिश की। फिर हमारे कुछ ज़रायों से हमें ये भी मालूम हुआ कि दुआ ज़हरा की जो फैमिली है उनसे पैसों की डिमांड की गई है कि आप हमें इतना पैसा दें फिर हम इस केस से पीछे हट जाएंगे। ठीक है, अच्छा खासा पैसा जो है वो डिमांड किया गया। अब जो जुनैरा माहम है और उनके जो वकील हैं, उन्होंने काफ़ी दावे किए थे कि नहीं, हम जो है वो नहीं जाने देंगे बच्ची को वहाँ पर, हम कराची नहीं जाने देंगे, हम सिंध पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उनके तमाम दावे धरे के धरे ही रह गए, और अब जो है वो दुआ ज़हरा जो है वो वापस कराची आ चुकी हैं। कुछ ये भी सुनने में आया, कुछ झूठे लोगों ने ये भी बातें फैलाई कि दुआ ज़हरा ने बड़ा शोर मचाया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं कराची नहीं जाना चाहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब लोगों ने तस्वीर में देखा ही है वो कितनी मुतमईन नज़र आ रही हैं। और अब ये भी है कि दुआ ज़हरा से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं होगी उनके पेरेंट्स के अलावा। ना जहीर गैंग उनसे मिल सकेगा, ना जहीर मिल सकेगा, ना ही कोई यूट्यूबर, कोई नहीं मिल सकेगा। तो एटलीस्ट उनका दिमाग जो है वो खुल सकेगा, वो खुद चीज़ें सोच सकेंगी, समझ सकेंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि जो जुनैरा माह में बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ बनाया था, और बड़े चॉकलेट्स और पता नहीं क्या कुछ जो है वो लेकर जा रही थी सरप्राइज़ देने के लिए, और बाद में मुँह की खानी पड़ी, उनको मिलने नहीं दिया गया। और फिर कवर करने के लिए तो लोग बहुत सी बातें करते हैं जो कि उन्होंने भी की, लेकिन बात यह है कि अब दुआ ज़हरा से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है उनके पेरेंट्स के अलावा। इसके अलावा जो चीज़ है मेन वो ये है कि जहीर के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है अदालत ने, कि उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, जब निकाह जाली है, सब कुछ झूठा है, निकाह हुआ गलत है, तो निकाह करने वाला कैसे सही हो सकता है? तो उसके ख़िलाफ़ तो मेन कार्रवाई बनती है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब दुआ ज़हरा कराची में मौजूद हैं, लेकिन आज क्योंकि संडे है और कल मंडे है, तो इस केस की सुनवाई कल होगी कि आया अब दुआ ज़हरा जो है वो पेरेंट्स के पास रहेंगी, दारुल अमान में रहेंगी, या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहेंगी। इसका फैसला भी होना बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द अपने इस चैनल पे आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करेंगे। इकरारुल हसन को भी अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने भी यही कहा है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द दो खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, एक ये कि जहीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और दूसरी ये कि दुआ ज़हरा जो अपने पेरेंट्स से हैं मिल गए हैं, ये खुशखबरी। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला सच सबके सामने आएगा। सच जो है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। जो भी इस गैंग का हिस्सा है, गैंग तो है, ये तो कन्फर्म है, और जो लोग भी जिन्होंने पैसा खाया है या फिर जो लोग इस गैंग का हिस्सा हैं, उन सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने बीच में इस केस पर रिपोर्टिंग करना छोड़ दिया था, लेकिन हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें ये कहा था कि हम आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एरिया का वाकया है तो आपको ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगी। तो अब इंशाल्लाह ताला ये केस जो है बिल्कुल सॉल्व होने के करीब है, और जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तो जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में, अपनी वीडियोज़ में, अपने चैनल पर शेयर करते रहेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और हमें दुआ में याद रखना है। हम मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।